मोक्षार प्रकाश ग्रंथ पेज नंबर 251 इसके पहले ये भावार्थ में नीचे पेज नंबर 250 में यह व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इसी का मतलब उन्होंने एक कोट किया है, यही बात षट पावन में कही है तथा षट पावन में कहा है जो सुतो व्यवहारी सो जो जगे सका जमनी जो जग व्यवहारी सो सुतो अपनो कच्चे जो सुतो व्यवहारे जो व्यवहार में सोता है सो जोई जगे सकज्जमी सो जोई वह योगी सकज्जमी कज्जमी मैंने कार्य में जग गए जागता है। जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है। अब इसका उल्टा कर लो जो जगदि व्यवहार है जो व्यवहार में जागता है सो सुतो अपनो अपने कज्जे वो अपने कार्य में सोता है। क्या मतलब तुम बहुत उसकी जो है पैरवी कर रहे थे बार बार, तो व्यवहार को भी अंगीकार करना चाहिए, उसका भी जिनागम में उपदेश है। तो उन्होंने एक गाथा कोट करके दी, देखो यहाँ क्या लिखा है, क्या जिसकी तुम इतनी महिमा गा रहे हो उसके लिए तो कह रहे हैं जो उसमें जागता है वो अपने कार्य में सोता है और जो इसमें सोता है व्यवहार में वो योगी अपने कार्य में जागता है। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, तो हम ज़्यादा क्या बोले। मैंने ये प्रकरण का ये गाथा कहकर उन्होंने पीछे दिया कि बस अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इससे, अब तुमको इतने में समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आए तो अब तुम तुम्हारी जाना है भाई। जो यथार्थ है उसका श्रद्धांत करना और जो यथार्थ नहीं है उसके श्रद्धांत को छोड़ना, बार 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 के कब तक कहेंगे। इतनी बार हमने तुमको निश्चय व्यवहार की परिभाषा बता दी, यथार्थ सो निश्चय उच्चरित सो व्यवहार, जो यथार्थ है वो निश्चय है जो उच्चार है वो व्यवहार है। अब तुमको फिर भी किसमें जागना और किसमें सोना है निर्णय तुम करो। विद्वान लोग जो है ना वो ज़्यादा नहीं कहते, एक बार हमने तुम्हें वस्तु स्वरूप बता दिया ये क्या है ये क्या इस नए का क्या स्वरूप इस नए क्या स्वरूप, अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या अंगीकार करना है। यथार्थ को अंगीकार करना है जो लौकिक व्यवहार है उसी को चलाना, मतलब जो लोक व्यवस्था के लिए जो व्यवहार ने कहा था उपचारित नए उपचार से जो बात कही थी उपचरित नए से औपचारिक रूप से जो कथन किया था कोई प्रयोजन के वश कहा था तुम्हें उसी को मान के रहना है कि तुम्हें परमार्थ का श्रद्धांत करना है। अभी तुम निर्णय कर लो, क्योंकि व्यवहार नहीं का कार्य तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला के कथन करना है और उसके श्रद्धांत से मिथ्यात होता है, और फिर भी तुम्हें उसका श्रद्धांत करना तो कहो। क्योंकि उन्होंने कह दिया जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है। इसे दुनियादारी में भी देख लो, जो जितना व्यवहार कुशल है वो उतना धर्म से दूर है और जो जितना अपने व्यवहार में जो जितना दूर है वो अपने कार्य में उतना कुशल है। समझ में ना, लोग व्यवहार में बहुत चतुर है इसका मतलब है कि वो परमार्थ में अचतुर है, जो परमार्थ में चतुर है तो लोक व्यवहार में अचतुर।
दोनों में चतुरता नहीं होती। व्यवहार भी चतुर है, मतलब व्यवहार में मगन है, व्यवहार भी परमार्थ मान के बैठा हुआ है, वो अपने कार्य में सो रहा है। जो व्यवहार में कि कथनी को ही सच्चा मानकर और उसी में मगन है और उसी में संतुष्ट होकर उसी में लीन है, तन्मय है, देह में हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका करता हूँ, ये मेरा करते हैं, जो इन्हीं चीजों में मगन है वो अपने आत्म कार्य में सो रहा है। लोग व्यवहार वही निभाने के लगे, कितने लोग, यहाँ तो व्यवहार मतलब जिनवाणी का व्यवहार, लेकिन वो व्यवहार तो छोड़ो, लोग तो पाप के व्यवहार में लगे हो, लिफाफे इधर उधर करने, वो समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या व्यवहार मतलब, तो क्या एक दूसरे को तिलक काटना, लिफाफे लेना और देना, खा के आना, खिलाना, लिफाफे लेना, लिफाफे देना, और क्या करते हैं लोग, इसके अलावा कोई तीसरा काम हो तो इनको बताओ, क्यों तो पुण्य कार्य के शादी ब्याह के अंदर जो लिफाफे बढ़ते हैं वो कोई पुण्य का काम कर रहे हैं क्या अपन, वो कोई उनको धर्म के लिए दे रहे हैं क्या अपन लिफाफे, पाप ही है वो सब, क्योंकि लोक व्यवहार सब पाप रूपी है। ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, और मैं अपना अच्छा से अच्छा इनको देऊंगा, मेरा अच्छा से अच्छा देने से लोग भी मुझे जानेंगे, इनने भी कुछ तरक्की की है, मान प्रतिष्ठा की भाव है और कुछ नहीं। क्या जितने भी लौकिक कार्य है इनमें कुछ भी मोक्ष मार्ग की कोई सिद्धि नहीं होती है, ये अपने कषाय के वश होकर किए जाते हैं। क्या और उसमें फिर अच्छे से अच्छा देना कितना बढ़ता है बोलो, शादी ब्याह के अंदर कितना लेन देन बहुत चलता रहता है, लाखों करोड़ों रुपए के बजट रहते हैं शादियों में। क्या जिंदगी उसमें चली जाती है, एक एक आदमी का बजट शादी का देखो आप, एक एक रुपया जो हम जोड़ जोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से, वो सब शादी के अंदर ऐसे खर्च हो जाता है। ये जितने लोगों की लड़कों की लड़कियों की जितनों की शादी होती ना, यदि उतनी शादी में खर्च नहीं करे और उतना कहीं इन्वेस्ट ही कर दे तो इनको जिंदगी भर कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। अपनी शादी में जितने रुपये खर्च करे थे उतने रुपये यदि वो उत्तर रुपए का अपने को मकान लेके दे देते ना वो, तो अपने को जिंदगी भर इतनी दौड़भाग नहीं करनी पड़ती। क्या अपने पिताजी ने और माताजी ने जितने रुपए लोगों को खिलाने में खर्च कर दिए उतने उन्होंने अपने ऊपर ही नहीं करे, सच्चा ये। क्या जिंदगी भर हर हर अपनी हमारी कर दिया, जिंदगी जीना किसको आता है, किसी को नहीं आता। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखा देखी सब कर, इसके बिना व्यवहार चलता नहीं। तो करो हमारी, एक रुपया कमाने के लिए दिन भर आदमी दौड़ता भागता फिरता रहता, एक एक रुपया जोड़ता है। क्या इनकी पत्नियां बिचारी सब्जी वाले से रोज झिझक कत्कर कर करके वो अपना पैसा जोड़ती है, ये अपने जोड़ते हैं, ये दोनों मिलके एक साथ खर्च करते हैं शादी का। एक दिन के अंदर सब उड़ा जाते हैं, तो इसलिए ये सब बहुत कुरीतियां हैं, इसी बात की है समाज में इतनी खोटी चीजें चलती है। आप यदि जैन धर्म के हिसाब से विचार करो तो आपको लगेगा कि ये समाज धर्म से कोसों दूर है। क्या इस समाज को धर्म से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है, धर्म वर्म की परवाह किसी को नहीं है,
किसी को अपने मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं है जितनी इज्जत की कीमत है। इसलिए हम्माल लगे मुझे सब लगे हुए हम्माल, क्या दुनिया में ऐसी बात तो ही नहीं है कि धन की कोई कमी। धन तो बहुत होता है लोगों के पास, लेकिन कहाँ खर्च करना, कैसे करना, किस रूप से जीवन को चलाना, ये बुद्धि बहुत कम लोगों को होती है। क्या ये एक रुपया जो आज अपन दूसरे को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, ये एक रुपया मेरे बुढ़ापे में 100 रुपये बन के काम आएगा, ऐसी सोच कहाँ है? क्या ऐसी बुद्धि न लोगों की, अरे मैं तो लौकिक दृष्टि से भी कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ लोगों की कोई मतलब किस तरह से अपने प्लानिंग करनी जिंदगी की, वो भी नहीं आती लोग। क्या फ्री अपने अपने समय की कीमत नहीं आती उनको कि हमारा समय हम कितना दे रहे हैं इन चीज़ों में, और हम अपने अमूल्य मनुष्य भाव को इन चीज़ों में खो रहे हैं फालतू की चीज़ों में जिसमें कोई सार ही नहीं है। वो चार जने के उससे क्या सिद्धि है, है? समझा है ना। सबसे बड़ी तो तुमने अपने समय को अपने ज्ञानार्जन में लगाया तो वो सबसे बड़ी कमाई है, और ये सब तो कमाई है, इसमें क्या सार है, इसमें मिलना क्या है, इसमें क्या अपना टाइम अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में लगाया गया और अपना धन अपने स्वयं के ऊपर खर्च किया गया, वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है और सबसे बढ़िया उपलब्धि है वो, बाकी और कुछ नहीं है। ये सब पैसा ही सब खर्च करना इनमें, ये सब बेवकूफियाँ कुछ नहीं। एक दूसरे को देखा देखिए होड़ लग रही और कितना हुआ करते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए की तो एक एक दिन की किराया ही होता है उसका, और वो भी कहाँ, किसी की शादी में कोई कार्ड आता तो देखता हूँ मैं गाँव से कोई 10-20 किलोमीटर दूर, कहीं गांव में, इस गांव में ही पर गांव में शादी भी यहाँ हो रही है आसपास, तो समझ में आए कि अपन चले जाओ पैदल ही या अपनी स्कूटर लेके चले जाओ, तो वहाँ जाओ ठीक है, ठोकर मार मारा तो ऊपर और पहुँच जाओ। ऐसी काम इसमें कोई तथ्य नहीं, बेकार की चीज़ें, कोई पुण्य पुण्य तो बहुत दूर की बात है इसमें, ये तो पाप भी कम बंदे पाप में भी कमी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, पुण्य का तो कोई काम है क्या? क्योंकि इसमें मान कषाई की तीव्रता है और रागादि भाव की तीव्रता है, ये कोई वीत रागता के लिए नहीं किया गया है क्या? और इसमें कौन भूखे को खिला रहे हैं आपको, 3-3 हजार रुपए की प्लेटर रहती है और इनको 3 रुपए गरीब को देने पर पसीना आ जाता है, कोई गरीबों को थोड़ी खिला रहे हैं, तो झूठन जाता है कितना, तो 56 पकवान बने होते हैं, 4 खाने नहीं लेते हैं, 52 देख के आता आदमी क्या क्या बना, टच करके आ जाएगा झूठन करके, ऐसा नाटक है और कुछ नहीं है। मैंने तो खुद नहीं देखो, मैंने खुद ने ऐसी भी शादियां देखी है जिनमें 2 मिठाई बनती थी, 2 नमकीन बनते थे और पूरी सब्जी रोटी चावल बनता था, अच्छे से हम भी खा खाते बढ़िया, और वहाँ रतलाम में तो वहाँ अपना गिलास अच्छी चीज है ना, अच्छी बात है क्या, तो अच्छी बात है, अच्छी अच्छी जो है पहल है, और ऐसी पहल अपने भी किसी को करनी चाहिए कि ये जो है व्यंजनों पे कुछ रोक लगे और जो है ये जो भी दिखावा इसके ऊपर कुछ इसके कुछ तो कंट्रोल हो ना, तो बेहिसाब बेलगाम बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो गार्डन के अंदर जो होना चालू हो गया है, कितनी तकलीफ का, घास के ऊपर चलो आप और गुदुलदार उनको बधाई देने जाओ घास पर चलो, सब घास पर रहता है सब, और महिला संगीत में पता नहीं किसको बुलाते हैं, मैंने बताया था ना पहले आपको क्या कि पहले जो है खाना घरवालियाँ बनाती थी, नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुला देते थे, क्या तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है, देखो अपन आगे चलते हैं, खेल सब छोड़ो इनको, तो ये सब व्यवहार कोई उपयोगी नहीं, इनका कोई अंत भी नहीं, लेन देन का कोई अंत नहीं, कितना ही देव कोई इसका कोई हिसाब किताब नहीं, बहन बेटी कितने देता है तो पूरा धन निकाल के देता, क्या
उसे क्या हो जाएगा, तुमसे अधिक देने वाले हजारों लोग, तुमसे अधिक विवाह अधिक कार्यों में धन खर्चने वाले बहुत है, और ऐसी मान बढ़ाई कितने दिन रहने वाले, 4 दिन की मान बढ़ाई, बाकी जिसका फल अनंत काल तक नरक निगोद भोगना पड़े उससे क्या सिद्धि है, अपने से अधिक खर्च करने वाले नहीं है, है? और कितने दिन तक आपके रह जाएगी, 4 दिन, 5वें दिन याद भी नहीं रहेगी लोगों को क्या क्या खिलाया था आप, खाया पिया खत्म। तो ऐसे काम क्यों करो, ऐसे काम करो ना जिससे परंपरा अनंत काल तक सुख मिले, स्वयं का भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण। इसलिए ये सब काम छोड़कर, इसमें उपयोग लगाना छोड़कर ज्ञानाभ्यास का काम करना चाहिए, अपने काम में जगना चाहिए, और अपने काम में जगेंगे तो इसमें अपने आप सोएंगे, और इसमें जगेंगे तो अपने काम में सोएंगे, ये जो गाथा थी ना। इसलिए देखो आखिरी में इन सब बातों का पूरा सार कहते, देखो इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार नय जो कहता है उसका श्रद्धान छोड़ कर कि भाई ये बात सच्ची नहीं है, और जो निश्चय नय जो कहता है उसको सत्यार्थ मानकर और उसका श्रद्धान करना योग्य है, क्योंकि वो सत्यार्थ बाप को कहता है इसलिए उसका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार ने सत्यार्थ नहीं कहता है इसलिए उसका श्रद्धान छोड़ना योग्य। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, मतलब कि भाई हमको कोई बहुत निश्चय बहुत पसंद हो हमारे व्यवहार से, भाई व्यवहार सत्यार्थ उसका नाम ही व्यवहार इसलिए है कि वो सत्यार्थ कथन नहीं करता, इसलिए उसका नाम क्या दिया व्यवहार, और निश्चय का नाम इसलिए निश्चय क्योंकि सत्यार्थ कथन करता इसलिए उसको अंगीकार करना। देखो और इन्होंने और खोला है, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता, ये उसकी स्टाइल है। वो मतलब यथार्थ निरूपण करना ही नहीं है उसको, क्या यदि वो यथार्थ निरूपण करेगा तो वो निश्चय की लाइन लग जाएगा। व्यवहार नाम ही उसका है जो किसी को किसी में मिला के कथन करे, क्या जो जैसा है वैसा कह देगा, और उसका एक प्रयोजन है जो अपन अनेक बार बात कर चुके हैं कि भाई व्यवहार का एक प्रयोजन है लौकिक व्यवहार के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए, प्राथमिक बुद्धि वाले शिष्यों को समझाने के लिए, क्या उसके लिए उसकी उपयोगिता है, इसलिए उसकी उसको जिनवाणी में स्थान मिला है। अज्ञानियों को समझाने के लिए अज्ञानी की भाषा में बोले, लौकिक व्यवहार के अंदर लौकिक व्यवहार ही बोला जाए, जो लोक में जो लोग समझते हैं अज्ञानियों के अंदर अज्ञानी की भाषा में बोलना पड़ता है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। लेकिन बस ये समझ लो कि वो सत्यार्थ क्यों नहीं है, क्योंकि उसका काम ही ऐसे, वो तो दो तरह को मिला के एक कहेगा, व्यवहार नयो भासति जीवो देहो यहोति खलु एको। व्यवहार नहीं कहेगा जीव और देह वास्तव में क्या है, एक है, और मान लो तुम इसको सोचो तुम मान लो क्या होगा, मां मिथ्या दृष्टि के लाओ देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व उधा है, जो देव आत्मा को एक मानता हूं बहिरात्मा है मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें और एक मान रहा है। ऐसा व्यवहार नहीं ने एक कहा था इसलिए मैंने एक माना, कि तुम आगे भी तो समझो इससे भाई व्यवहार नहीं का काम ही है कि दो द्रव्यों को मिला के वो एक कहता है, इसलिए उसके श्रद्धान को छोड़ने के लिए कहा ऐसे एक काय क्यों अलग अलग कहते तो अच्छा रहता ना, हम भ्रम में ही नहीं पड़ते कि ऐसे अलग अलग कहने लग जाएंगे तो लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा, लौकिक व्यवहार कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे किसी भी आदमी को बुलाना, हे भैया तेरा शरीर आत्मा दोनों आओ, तो शरीर को भी लेके आओ आत्मा भैया, ऐसे ऐसे इस तरह की प्रणाम की बातें बोलोगे तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया इनको, क्या इनको अतिवाद हो गया, इनको भर्ती करा क्या हो गया, क्या बात बात में ऐसी बातें करें, कभी कभी किसी चढ़ जाता है ऐसा, क्या थोड़ा अतिवाद आ जाता है ना। जैसे एक जगह पत्रिका थी, उस पत्रिका में लिखा था, जैसे प्रोग्राम लिखा रहता है ना, स्वल्पाहार भोजन फिर शाम का संध्या भोजन, तो उसमें क्या लिखा था,
स्वल्प आहार का ज्ञान 9 बजे, भोजन का ज्ञान 11 बजे, संध्या काल के भोजन का ज्ञान 5 बजे। हद हो गई ये 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 किसको कहते हैं ओवर ओवर, जिसको कहते हैं ना अति अति हो गई हो। अब ये तुमको भाई तुम लोक व्यवहार में जो बना रहे हो पत्रिका, पत्रिका को तो पत्रिका जैसी बनानी पड़ेगी ना, है स्वल्पाहार का ज्ञान कैसे दे लेगा स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का ज्ञान वाह। तो ये ज्ञान तो बैठे बैठे ज्ञान कराओ, हम तुमको यहीं से ज्ञान कराते हैं क्या क्या बना है वहाँ पे देखो, और उसमें ये रस है, यहीं बैठे बैठे करो उसका रस ज्ञान। ये निश्चय वाले नहीं, ये सब निश्चय का अजीर्ण वाले, ये निश्चय वाले नहीं है, ये अजीर्ण हो गए। क्योंकि ये कोई विधि है क्या, लौकिक विधि जो चलती है, ये कोई बातें ऐसी है, और पटाख पाते हैं तो एकदम, और कोई भी देखेगा तो उसके हंसी होता है एक क्या है स्वल्प आहार का ज्ञान। पूछो तो भाई कब नाश्ता कितनी बजे, यहाँ लिखा है नाश्ते का ज्ञान कितनी बजे, नाश्ते का ज्ञान कितनी बजे, नाश्ता कितनी बजे है? समझने की चीज है ये तो, कि भाई हम उसका चीज का ज्ञान, मतलब जीव ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति किम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से अन्य कुछ भी नहीं करता है। तो ये समझने की बात है, श्रद्धान की बात है, ये कोई पत्रिका के लेवल तक उतारने की बात नहीं है। और फिर ऐसे करोगे तो लोग पागल ही कहेंगे, और जिनको बच्चे अच्छे किसी को भी समझ लो अपना, कोई जो जिसको धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है और उसको पत्रिका जाएगी तो वो उसको पढ़ के क्या समझेगा, वहां ज्ञान करेंगे भूखे ही रहेगा वो, और क्या करेगा, ये पता ही नहीं भैया खाने का तो टाइम लिखा ही नहीं इसमें, इसमें तो सब ज्ञान ही ज्ञान का टाइम लिखा है, तो ज्ञान तो ही नहीं करना है मेरे को, तो भोजन करना है। ऐसे है, सब तरह की दुनिया में सब तरह के लोग हैं। तो लोक व्यवहार तो एक व्यवहार जो है आपको लौकिक प्रवृत्ति के लिए बोलने की छूट देता है ना भैया, जिनागम में इसको स्थान दिया है, एक नए है इसी के लिए तो है, इन्हीं कामों के लिए बोल दो तुम, कोई दिक्कत क्या है उसमें। क्या शरीर और आत्मा को यदि एक कह दोगे तो उससे मिथ्या तो थोड़ी हो जाएगा, मानने से मिथ्या हो जाएगा, बोलने से क्यों डर रहे होता है क्या। व्यवहार नए से आचार्यों ने भी इन दोनों को एक कहा है, क्या दोनों को एक मान के व्यवहार किया है, और वे जानते हैं कि ये वास्तव में एक नहीं, और कहते हैं एक है, फिर क्यों कहते हैं कि तुम्हारे को समझाने के लिए एक कहते हैं, तुम उससे ही समझो। कहानियां जितनी भी प्रथमानियों की कहानियां बार बार समझाएंगे क्या, ये व्यवहार नहीं से और ये निश्चय नहीं से और ये ऐसा है और वैसा है, निश्चय से तो राम की कोई पत्नी थी नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ व्यवहार से कह रहे हैं, व्यवहार झूठा है मान लायक, ये सब बातें माननी होती है। तो बस एक लाइन में तुमको कह देंगे कि राम की पत्नी सीता थी, बाकी सब तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो कथन है ये व्यवहार नहीं का है और ये मानने लायक नहीं, निश्चय से राम की कोई पत्नी थी, किसी का कोई होता ही नहीं निश्चय से। जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना कुछ, हमारे लिए तो हमारी पत्नी भी हमारी नहीं और राम की पत्नी थी, मैंने हम कहेंगे हमारी पत्नी पवित्र, और यहाँ आचार्य देव लिख दे कि राम की पत्नी सीता, वो तो अच्छा ही सम्यक दृष्टि, ये तो अन्याय है एकदम, ऐसा लगता है ये क्या क्या। कई लोग तो ऐसा प्रश्न भी करते हैं इसमें, ऐसा इनके तो ऐसे है, हम तो जरा सा करते तो हमको तो ये कहते हो आप, इनके तो सब ये था, ये लिखा है इतना इतना क्या, ये लिखा है प्रथमानियों की शैली ऐसी होती है, थोड़ा बहुत भी उनको दुख होता है तो उसका अच्छे से अलंकारिक वर्णन करते ताकि तुमको थोड़ा उसका भाव भाषित हो, लेकिन वो ऐसे ही लिटरली ऐसे ही कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राम सीता से बोल रहा तो वो जो भी है उसमें दोहे लिखे रहते हैं, तो वास्तव में क्या जब राम सीता से जब भी बात करते होंगे तो क्या दोहे में बात करते होंगे, और जितने भी विशेषण उसमें लिखे रहते हैं, हे कमल लोचने हे मैगने जितने भी है जो सभी, तो कोई ऐसे बोलता है क्या ऐसे, ये तो केवल कथा के अंदर जब वर्णन करते हैं तो इसी स्टाइल में करते हैं क्या। यदि अपन अपने घर में ये सब बोलने लग जाओ तो घर में क्या होगा इसका।
हे प्रोसेस्ट कि तुमको ये शैली समझ में आनी चाहिए भैया, ये कहानी है कि प्रथमान योग है या कि इसकी स्टाइल यही है, यही स्टाइल से कथन करेंगे तो अच्छी भी लगेगी और ऐसी स्टाइल से नहीं करेंगे तो तुमको कहानी पढ़ने में मजा आएगा नहीं। तो कहानी को कहानी के हिसाब से लिखा जाता है और भाव उसमें समझा जाता है क्या। इतने सारे विशेषण को केवल उसकी सुंदरता के लिए और उनको उससे स्नेह था बताने के लिए। समझ आया ना, ऐसे ही है भाई प्रैक्टिकल चीज। और मतलब ये व्यवहार में जो उपयोग किया गया है तो इसकी इतनी उपयोगिता है लौकिक के लिए, बाकी बस अब ये परमार्थ समझना तुम्हारे को पड़ेगा कि ये वास्तविक बात नहीं है, क्योंकि सारा जिनागम भरा है इन बातों से। तो कि जो पर को अपना मानता है वो क्या है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। तो अब तुम खुद सोच लो कि जो पर का अपना मानना यदि मिथ्या तो कहाँ है, और यदि किसी कहीं पर किसी एक को दूसरे परद्रव्य का स्वामी बताया है तो कौन से नए का कथन है, व्यवहार नहीं। और उसका श्रद्धान क्या करना, छोड़ नहीं। देखो तीन बातें कही ना, व्यवहार नए का काम क्या है, तो स्वद्रव्य परद्रव्य को दोनों को मिलाए कथन करना। स्वद्रव्य कौन, जैसे स्वद्रव्य कौन जीव आत्मा में स्वयं, और परद्रव्य कौन शरीर। अब इन दोनों को मिला के एक कहता है, उसका काम एक कहना है। जैसे सोने और चांदी को मिला के एक एक कहना, सफेद सोना। अब कोई सोना सफेद नहीं है, सफेद ही तो क्या है चांदी का गुण, लेकिन सफेद सोना ऐसा व्यवहार है लोग क्या। ऐसे ही शरीर आत्मा को मिलकर मतलब शरीर आत्मा को एक कह देने का लोक में बहुत व्यवहार है क्या। समझ में ना, लेकिन वास्तव में इसे कहते ना गोरा व्यक्ति गोरी आत्मा, तो आत्मा कोई गोरी है क्या, गोरी आत्मा गोरा व्यक्ति क्या, तुम गोरे हो तो तुम गोरे हो क्या। तो ये दोनों को एक मिला के कथन किया कि नहीं किया। जैसे सोने का गुण तो पीलापन है, लेकिन चांदी के निमित्त से उसको क्या कहा, सफेद सोना। अब सफेद सोना है सफेद झूठ है, क्योंकि सोना कभी सफेद होता ही नहीं। ऐसे गोरा आदमी मतलब गोरा जीव ये सफेद झूठ है, जीव कभी गोरा होता ही नहीं। काला जीव, सांवला जीव, लंबा जीव मतलब अच्छी हाइट वाला जीव, कम हाइट वाला जीव। ये वाला जीव रुपये पैसे वाला आदमी है क्या, तो आत्मा रुपया पैसे वाला है क्या। और अपन ने दूसरे पता नहीं कोई दूसरे द्रव्य का संयोग देखकर उसको जीव को क्या कहा, रुपये पैसे वाला। जीव वास्तव में रुपये पैसे वाला नहीं, जीव तो जीव है, जीव तो ज्ञान दर्शनमय है। उस ज्ञान दर्शनमय को जीव कहना तो निश्चय है, और ज्ञान दर्शनमय जीव न कहकर शरीर रूप जीव को कहना हो जाएगा। अब किसका श्रद्धान करना कि भाई जो जैसा है वैसा श्रद्धान करना बस। मतलब ये बहुत बहुत सीधी सच्ची बात है यद्यपि, इन फिर भी जिसके भेजे में नहीं घुसती नहीं घुसती। ये तो दो दो चार ऐसी बात है कि भाई ये इसका काम ये व्यवहार नहीं का दो द्रव्यों को मिला के कथन करना, और ऐसा श्रद्धान करने से क्या होता है, मिथ्यात होता है। क्योंकि दो द्रव्य एक है नहीं और हम एक मानेंगे तो मिथ्या भाव। दूसरा उनके भावों को परस्पर में मिला देता है, दो द्रव्यों को मिला देता है एक कथन करता है, और दो द्रव्यों के भाव को मिला के एक भाव कथन करता है। जो पुद्गल के भाव है जीव का कहता है, जो जीव के भाव है पुद्गल का कहता है क्या। आंखें देखती बहुत अच्छी है, आंखें देखती बहुत अच्छी है, अब आंखें देखती है तो पुद्गल को जीव के भाव को पुद्गल का कह रहा है। और जो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है उनको जीव का बता रहा है। ये इसका काम है व्यवहार में ऐसा क्यों करता है इसका इसका। और कारण कार्यादि को किसी में मिला के निरूपण करता है। जो कारण है उसको कार्य कह देगा, जो कारण है किसी चीज का उसको क्या कहता है, वो साक्षात्कार। जो सहचारी हो जैसे निमित्त कारण है कोई किसी का तो वो उसको क्या कहता है, साक्षात मोक्ष मार्ग।
मैंने वो बिल्कुल ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं करता, जैसे मंदिर आना मोक्ष मार्ग का कारण है, क्या परंपरा कारण है, तो कहते हैं मंदिर आना ही मोक्ष मार्ग हो गया, धर्म हो गया, ये धर्म का कारण है, धर्म नहीं है। ऐसा क्यों किसी को मंदिर आना धर्म नहीं है, तो पंडित जी क्या पढ़ा रहे थे मालूम लास्ट में है, मंदिर आना धर्म नहीं है क्या? अब वो क्या अपेक्षा से कह रहे हैं कि भाई मंदिर धर्म का कारण है, अकेला मंदिर में आके तू समझ लेगा मेरा धर्म हो गया, तो ऐसी बात नहीं, मंदिर में आके धर्म सीख के धर्म करेगा तो धर्मात्मा होगा, समझ में ना, ये कारण है, ये कारण नहीं। वो क्या करता है व्यवहार ने प्रमोट करता है चीज़ों को, लोगों को इंकरेज करता है, मतलब उत्साहित करता है, तो उत्साहित करने में तो अपन ये कहेंगे बच्चा मंदिर भी आया तो बहुत बड़ा धर्म किया इसने, अभी तो बड़े लोग समझते हैं कि भाई ये तो धर्म अभी हुआ नहीं है, अभी तो धर्म के कारण में इसने एक धर्म के मार्ग पर कदम रखा है, लेकिन ये व्यवहार की एक आदत है कि वो जो कारण है उसमें कार्य का उपचार करके खत्म कर देता, थोड़ा भी किया काम हो गया, और उससे क्या होता है कि जो उसके शैली नहीं समझते हैं तो वो भ्रम में भी पड़ जाते हैं कभी कभी, तो सोचते हैं हो तो क्या धर्म की जो कोर्स था वो तो हो गया, अब और का बचा है जिसको करना बचा है, सब तो हो गया हमारा, यहाँ लिखा है पूजन करना धर्म है, इसका स्वाध्याय बैठना धर्म है, एक जाप देना धर्म है, सामूहिक धर्म, छह आवश्यक कर लो धर्म, तो सब तो कर लिया, अब कौन बचाया, पक्का मरेगा। तो हम वो कह रहे हैं ये सब कारण है, कार्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति है, अब वो हुआ कि नहीं हुआ वो तो हमें खबर ही नहीं थी कि उसको भी प्राप्ति करनी है, तो वो धर्म नहीं हुआ, धर्मात्मा नहीं खिला सकते, धर्मात्मा तब खिलाओगे जब कार्य होगा, समझ में नहीं बात, माने धर्म के कारण को व्यवहार ने धर्म कहता, अब वो भी धर्म के कारण तो है इसलिए उसको धर्म कह रहे हैं, लेकिन वो साक्षात कार्य नहीं, कारण मानने में कोई दिक्कत तो ही नहीं, कारण तो है ही, साधन तो है ही, साधन को साध्य मान लेता है दिक्कत तो वहां आती, साधन को साधन रूप से माने तो कौन मना कर रहा है, वो तो है ही साधन तो है, वो साधन को तो अपनाएंगे तो साध्य की सिद्धि होगी, लेकिन दिक्कत तो तब आ जाती है जब तुमने साधन को साध्य मान लिया, हमारी फाइल तो हो चुकी है क्लोज, हमारा तो काम हो गया धर्म का, अब तुम करो जो भी तुम्हारे को करना ऊंचा वाला, ऐसा नहीं वो कार्य, ये व्यवहार नैने मतलब इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, जिनागम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या है कि ये जितना भी कथन है ये सब मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, रसशील संयम जब तब जो भी शुभ भाव उन सबको मोक्ष मार्ग कहना, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये कोई परमार्थ नहीं, आदमी इतना सतत निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए, खोजी होना चाहिए, जब तक उसको सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो जाए, और मैं तो कहता हूँ जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उसको कहीं रुकना नहीं चाहिए, और ये जीव क्या करता है कि संतुष्ट होकर अटक जाता है, मेरा काम हो गया इतना। 90% लोगों की वास्तव में धर्म खोजने की फाइल क्लोज है, क्योंकि उनकी ये मान्यता में पड़ा है कि हम ऑलरेडी धर्म कर रहे हैं, जरा धर्म खोज की वस्तु होती है, खोज की वस्तु माने सत्यार्थ वस्तु स्वरूप क्या है, असली धर्म क्या है, क्योंकि धर्म का फल क्या है, सुख शांति, यदि तुम धर्मात्मा हो गए तो सुख शांति आ जाए, सुख शांति कोसों दूर है, अभी धर्म नहीं आया, तो ये तीन काम है इसका, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन करे, उनके भाव को मिला के निरूपण करेगा, और कारण कार्यादि को माने कारण को कार्य कह देगा, कदाचित कार्य को कारण कह देगा, जैसे किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है, और ऐसे ही श्रद्धा से मिथ्यात्व इसलिए उसका त्याग कर, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा इस प्रकार का कोई श्रद्धा कर लेता है तो मिथ्या दृष्टि कहलाता है, स्वद्रव परद्रव को एक मान के श्रद्धा कर लेगा तो मिथ्या, स्व के भाव को पर के भाव को स्व के भाव मानेगा मिथ्या दृष्टि, कारण कार्य को मिलाएगा मिथ्या दृष्टि, तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, जैसा है वैसा कर, दो द्रव्यों की मिलावट नहीं करेगा, तो भिन्न भिन्न बताएगा, उसका काम ही है, जीव जुदा उद्गल जुदा राग जुदा ज्ञान जुदा,
कारण कार्य जुदा जुदा है, ये कारण है ये कार्य है। क्या वो जैसा है वैसा कर सकता है, उसका काम यही, उसको ही ड्यूटी सौंप रखी है। क्या जैसा है वैसा का वैसा निरूपण करना। भिन्न करे तो वो भी उस अपेक्षा से निश्चय है, भेद करे जो वस्तु में भेद जानते वो भी व्यवहार ही होगा। अभेद डाले, भेद में अभेद का व्यवहार करे वो, भेद में अभेद का व्यवहार करे वो तो व्यवहार नहीं है। जैसे वो आत्मा में बताया था कि अगर वो गुणों को भी अलग अलग करके बताता तो वो व्यवहार नहीं है, वो तो व्यवहार की कहे ना अपन ने सद्भूत असद्भूत है। भेद करने में भी व्यवहार हो गया, एक वस्तु में भेद कर लिया तो वो व्यवहार हो गया। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, वस्तु अभेद है और अभेद में भेद किया तो व्यवहार, और वस्तु भेद है भेद में अभेद का व्यवहार किया तो व्यवहार। यहाँ पे कंडीशन एक ही है, यहाँ दो द्रव्यों में भेद में अभेद का व्यवहार किया तो दूसरा भी लगा लो, वो तो दो तीन ही बातें कही उन्होंने। अभेद में भेद का व्यवहार करोगे तो वही व्यवहार। हमारा पढ़ा था असद्भूत सद्भूत उपचयित सद्भूत अनुपचयित सद्भूत उपचयित असद्भूत अनुपचयित असद्भूत। ये आत्मा के गुणों का बोध है, आत्मा में समझाने के लिए भेद रूप समझाया था वो व्यवहार, व्यवहार जैसा का तैसा नहीं है। आत्मा अभेद वस्तु है और अभेद वस्तु में भेद किया तो व्यवहार हो गया। ठंडाई का आपने वो किया जो की त्यों जैसी की तैसी, तो वो भी जैसी की तैसी का कही, भाई अभेद वस्तु थी ना तो उसको जैसी की तैसी तो तब निरूपण करते जब अभेद बोलते अभेद अनुभव करते, तो भेद रूप अनुभव किया तो व्यवहार हो गया। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये भी एक परिभाषा दी इसमें। जब ध्यान देखो 252 पेज चौथे पैराग्राफ, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि को पर्याय रूप जीव के विशेष किए कहा ना। देखो और मैं देखता हूँ अभेद सो निश्चय, सब दिया है यहाँ पे भी आएगा आपका पूरा। भाई क्या है भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद का व्यवहार हो तो व्यवहार भिन्न तो भिन्न है भाई, मन जैसे एक है उसमें भेद कर दिए, एक वस्तु को अनेक रूप कहा तो भी व्यवहार हो, अनेक रूप वस्तु को एक कहे तो भी व्यवहार है। ज्यो का त्यो होना चाहिए होता है, जैसा का तैसा। 19वीं नहीं चलेगी उसको, 19वीं का सब काम व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उसको समझाना भी है उसको बताना भी है सब उसके प्रयोजन है। क्या उसका उसकी दृष्टि कुछ अलग है, उसकी दृष्टि लोगों का लोक व्यवहार वो सब चीज़ें जो मैंने उसकी दृष्टि जो है वो समझाने के ऊपर है। निश्चय नहीं कि दृष्टि वस्तु का यथार्थ स्वरूप बता के उसका श्रद्धान करके उसका अनुभव कराने को। और एक अपेक्षा से दोनों एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों में विरोध भी नहीं है। व्यवहार ने निश्चय ने तक पहुंचाने का काम करता है। क्या मैंने व्यवहार ने जब तक निश्चय ने से प्ररूपित वस्तु स्वरूप न समझे तब तक व्यवहार ने द्वारा समझे, और फिर वो व्यवहार ने का काम है कि वो उसको जो निश्चय ने द्वारा जो प्ररूपित यथार्थ वस्तु स्वरूप है उसका ज्ञान करे। ये सब अभी आएगा इसके अंदर सब कुछ। देखो तो निश्चय नहीं उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना मैंने ये दोनों को अंगीकार नहीं करना, ये तो व्यवहार नहीं के श्रद्धान को छोड़ना और निश्चय नहीं के श्रद्धान को ग्रहण करना। फिर उसका एक प्रश्न है बहुत बढ़िया, यहाँ प्रश्न है यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे है।
हम एक को ग्रहण करें तो हमको आभासी बना देते फटाक से, निश्चय आभासी। और आप खुद बोल रहे हो कि निश्चय के सिद्धांत को ग्रहण करना और व्यवहार के सिद्धांत को छोड़ना, आप तो सम्यक दृष्टि की उपाधि लिए बैठ गए और हमारे को जबरदस्ती आभासों का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, ये तो अन्याय है। क्या आप जो कहो सो सत, हम गए तो आभास, ये हमको मंजूर नहीं। एक तरफ कहते हैं जिनांगम में दोनों नयों का ग्रहण करना कारण, और यहाँ कह रहे हो कि नहीं, निश्चय के सिद्धांत को अंगीकार करना क्योंकि उससे सम्यक्तता है, और व्यवहार नहीं के सिद्धांत को छोड़ना क्योंकि उसके सिद्धांत से मिथ्यात होता है। तो फिर दोनों का ग्रहण करना कैसे बनेगा, क्योंकि जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है तो कैसे बनेगा बताओ, तो कैसे, तो इसका समाधान देखो। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा जान, मैंने जो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसको क्या जानना, सत्यार्थ ऐसे ही। और कहीं तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान उसको क्या जानना, उसे ऐसे है नहीं, ऐसा है तो नहीं, लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया, औपचारिक कथन है, निमित्त आदि की अपेक्षा का ऐसा जान, इस प्रकार जानना, इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नए प्रकरण, मैंने निश्चय को यथार्थ जानना, व्यवहार को उपचरित जानना, ये इन दोनों को इस प्रकार से जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। व्यवहार की ग्रहण का मतलब है कि व्यवहार को व्यवहार रूप से जानना, यही व्यवहार नय का ग्रहण है। क्या व्यवहार को छोड़ने का मतलब ये तो ही नहीं है कि व्यवहार नय को जानना भी छोड़ देना, अरे व्यवहार नय का स्वरूप क्या है वो तो अच्छे से जानना, लेकिन जैसा उसका स्वरूप है वैसे जान। क्या भाई अजीब को जानने का मना है क्या, खूब जानो अजीब, बस ये जानो कि पर है, कौन मना कर रहा है। क्या ऐसे व्यवहार नहीं को जानने से कोई दिक्कत नहीं, इस रूप में जानो कि ये पर नहीं, ये निमित्त आदि की अपेक्षा उच्चरित कथन है, परमार्थ नहीं, ये निमित्त आदि की अपेक्षा किया गया कथन है, ये कोई प्रयोजन वश किया गया कथन है, ये वास्तविक परमार्थ वस्तु स्वरूप, इस रूप में जानने का नाम ही उसका ग्रहण है। मैंने उसको व्यवहार, व्यवहार को व्यवहार रूप जानने का नाम ही व्यवहार का ग्रहण है। व्यवहार को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार को निश्चय मान लेना या व्यवहार को परमार्थ सत्यार्थ मान लेना, व्यवहार का ग्रहण व्यवहार रूप में करना, तो उसका ग्रहण हो गया उसका, इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर, ऐसे भी है और ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना ही कहा। और ये दोनों नयों का ग्रहण करना कैसे बनेगा, क्योंकि वो एक के ना जीव और पुद्गल एक है, क्या देह जीव को एक गिने, एक तो देह जीव को एक, एक के था व्यवहार नयो भासती जीवो देहो यह दिखलू, एक को व्यवहार में तो जीव और देह को एक के था, और निश्चय नय दोनों को न तो निश्चय व्यवहार नयो भासती जीवो देहो यह दिखलू, एक को न तो निश्चय जीवो देहो यह दिखलू, एक को निश्चय नय से तो जीव और देह कभी एक होते ही नहीं। अब तुम कह रहे हो कि दोनों को सत्यार्थ मान लो तुम्हारे कहे अनुसार, तो हम कैसे माने, जीव और देह को एक भी मान ले, जीव और देह को अलग अलग भी मान ले, ये मानना बन सकता है, हम दो और दो चार भी मानेंगे, हम दो और दो पांच भी मानेंगे, तो कई लोग कहते हैं ना हम तो सबको मानेंगे, वीतरागी को भी मानेंगे, सरागी को भी मानेंगे, तो तुम्हारे अक्कल है नहीं है, वीतरागी को मानो तो सरागी को ऐसे मानो, यदि वीतराग का इष्ट है तो सराग का इष्ट, यदि सराग का इष्ट है वीतराग का इष्ट, दोनों का मानना कैसे बन जाए, थोड़ी बुद्धि तो सोचनी लगानी पड़ेगी ना,
है, जो जैन मत को माने और फिर भी अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं को भी ढोकते हुए माने, तो इसका मतलब ये है कि वो कुल अपेक्षा से जैनी है, श्रद्धा अपेक्षा से जैनी अभी नहीं हुआ। क्योंकि श्रद्धा अपेक्षा से हो जाता तो उसको और कहीं झुकने का भाव ही नहीं आता, भाव नहीं आता। कहाँ भाव आएगा भाई, हम झुक रहे हैं गुणों के ऊपर, जब गुण ही नहीं होंगे तो वहाँ कैसे झुकेंगे। गुण तो नहीं है इनमें, लेकिन ये अपने को कुछ देते देते था, माल माल तो ही देने वाले, तो इसका मतलब तो कर्म का भी सिद्धांत का भरोसा देने वाला, तो कर्म ये कौन देंगे, ये खुद की विपट ले भोग ले। जिनकी तू ढोक दे रिया है देने वाले, वो खुद ही नहीं बेचारे अपनी समस्याओं से निपट पाए, खुद ही जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में फेरे में पड़े हुए, हीन देवी देवताओं के चक्कर लगाते रहता है। क्यों इसको खबर नहीं है कुछ कि मैं कर क्या रहा हूं, खबर हो जाए तो काम नहीं करे। बिना बुद्धि अप्लाई किए आप कुछ भी करते रहो, उसे कोई सेंस नहीं। सच्चे में भी झुको तो भी कोई मतलब नहीं ज्यादा विशेष, झूठे में झुको तो भी कोई बहुत विशेष। इतना है कि सच्चे के वहां झुकोगे और कभी कदाचित कोई समझाने वाला मिल गया तो तुम्हारा भला हो सकता है, बाकी झुकते ही रहे और सत्यार्थ स्वरूप नहीं समझा कि हम क्यों झुक रहे हैं, विशेष कोई लाभ होने वाला। तो इसलिए ये भी सही है, निश्चय नहीं भी सही है, व्यवहार नहीं भी सही, दोनों सही कैसे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विरोधी के रहे। तो इसलिए दोनों को सत्यार्थ मानकर और भ्रम से दोनों का ग्रहण करना वो नहीं कहा है। दोनों नयों के ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है, दोनों नयों के ग्रहण करने का मतलब है दोनों नयों को जैसा है वैसा जानना, उन दोनों नयों को यथार्थ स्वरूप जानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण है, और दोनों को सत्यार्थ मानकर भ्रम रूप प्रवर्तने का नाम दोनों का ग्रहण करना नहीं कहा। अब इसमें आगे कहेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ, इसका उत्तर सोच के आना आपको। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया है? एक निश्चय नहीं ही का निरूपण करना था। बार बार तुम कह रहे हो कि व्यवहार सत्यार्थ नहीं है, तो फिर उसका उपदेश ही क्यों दिया जिनवाणी में, काहे के लिए एक लाइन बिगाड़ी उसके लिए कि व्यवहार ने ऐसे जीव और देह एक है, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। ये शंका है उसका, इसका समाधान कल करेंगे।